स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 111111। तो दोस्तों कैसे हो आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हाजिर हूँ एक शॉर्ट अपडेट के साथ। तो हम ये चेक करेंगे कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं। आप तो उनका कोई नेगेटिव पॉइंट देखते ही नहीं हो, बस आप तो उनके प्यार में डूबे रहते हो। तो देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या है, उनकी सोच क्या है, किस नज़र से वो आपको देखते हैं, या उनके माइंड में आपकी कौन सी छवि बनी हुई है। ठीक है, तो चले रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। वीडियो के साथ आपको बने रहना है एंड तक, चाहे तो प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। निकाल लीजिए अपने पर्सन की पिक्चर को, देखिए उनको बहुत 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 प्यार से, और लीजिए उनका नाम 3 बार अपने नाम के साथ। तो देखते हैं कौन से कार्ड्स आते हैं। तो यूनिवर्स बताइए इस समय मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं एंड जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, तो इनके पर्सन की नज़र में मेरे व्यूवर्स कैसे हैं, क्या सोचते हैं वो इनको लेकर। मैं कार्ड्स निकालती हूँ, चाहे तो आप पॉज कर लीजिए और प्रेयर कर लीजिए और अच्छे से ध्यान कीजिएगा अपने पार्टनर का। तो देखते हैं यूनिवर्स हमको क्या बताते हैं। चेक करते हैं एस ऑफ कप्स। ओके, सोचते तो अच्छा है लेकिन दी बताओ, सस्पेंस मत रखो। बताती हूँ, बताते हैं भाई। लो, कुछ और बताना बाकी है क्या? कपल हो आप दोनों, डेस्टाइन हो, एक दूसरे से मिले हो तो ओके। ओ वाओ, टू ऑफ कप्स की एनर्जी। चले बात करते हैं, ये इनकी खुद की एनर्जी 2 बार आई है, 2 किंग आए हैं। ठीक है, ओके। तो आपके पर्सन आपको लेकर कुछ इस तरह से उनकी सोच है कि वो सोचते हैं कि ये मेरा जो पर्सन है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, ये बहुत एक प्यारी है, ये बहुत प्यारा है, ये काफ़ी इमोशनल है, वो आपको काफ़ी इमोशनल समझते हैं। इनको पता है कि आप बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं हो, तो जिसके कारण ना इनको ये टेंशन रहती है कि आप बहुत इनोसेंट हो, आपको कोई भी लूट के ले जा सकता है या आपको कोई भी बुद्धू बना सकता है। मेरा वो है ना टेढ़ा है पर मेरा है। तो इनकी कुछ सोच इस तरह से है कि ये आपसे प्यार बहुत करते हैं लेकिन आपको ये इस नज़र से देखते हैं कि मेरा जो पार्टनर है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, ये बहुत भोला है, काफ़ी इमोशनल है। आप हर किसी की मदद करने के लिए रेडी रहते हो, आपको कोई भी आता है आपसे हेल्प मांगता है तो आप उसको हेल्प करते हो, चाहे वो आपका दुश्मन हो, अगर वो आपसे सॉरी भी मांगता है तो आप उसको माफ़ कर देते हो। ये आपके पार्टनर की सोच है। ठीक है, अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो उनको पता है ये बहुत प्रैक्टिकल है। आपके जो एम्परर की पोजिशन क्या बताती है, एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी, ये हर चीज़ को आप, इनको पता है कि आप दिल से सोचते हो, दिमाग से बिल्कुल नहीं सोचते हो। कहीं ना कहीं इनको ये भी पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो और इनको लेकर आप काफ़ी इमोशनल हो, आप रोते हो, इनकी वेट भी करते हो, ये सब जानते हैं लेकिन आपको बताते नहीं हैं क्योंकि इनके साथ ही फूल की एनर्जी आई है। ये काफ़ी प्रैक्टिकल हो सकते हैं एंड ये हर चीज़ को ना दिल से नहीं दिमाग से सोचते हैं। इस रिलेशन में भी इन्होंने ज़्यादातर दिल का काम लिया है आपको देने तक का, लेकिन उसके बाद जो इन्होंने काम लिया है दिल का उसको कर दिया है साइड पर और दिमाग से काम लिया है इस रिलेशन पे। एंड आपके पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल हैं इस रिलेशन पे, जैसे उन्होंने दिल से नहीं दिमाग से काम किया है। एंड इस रिलेशन में ओन ऑफ सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो क्योंकि यहाँ पे कपल आया है एंड यहाँ पे भी कपल है एंड आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। आप का जो प्रिसेप्शन है अपने पार्टनर को लेकर वो बहुत लविंग है, केयरिंग है। आप इनकी हर गलती को माफ़ कर देते हो, कहूँ तो 7 खून माफ़ है इस जनाब को। हाँ, तो आप अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हो लेकिन आपके पार्टनर काफ़ी एक स्ट्रांग पर्सनालिटी हैं। आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं या आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं या आप इनसे उम्र में बड़े हो सकते हो। किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी भी कुछ इस तरह से ही बताती है कि ये किंग है एंड ये दुनिया को एक पत्थर के बैठा हुआ है सिंहासन पे, है ना, ये भी एक पत्थर के सिंहासन पे बैठा हुआ है। तो जब हम किसी सिंहासन पे बैठते हैं या राज करते हैं एंड प्रजा को देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को छुपाना पड़ता है। सेम वैसे ही आपके पर्सन की पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सोचते वो बहुत है आपको लेकर, उनको पता है आपके दिल में बहुत प्यार है, आप बहुत लविंग हो, आप इनकी बहुत केयर करते हो।
ठीक है, आपको लेकर अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, एंड आपकी तरफ बस अगर आप इनके सामने आ जाओ ना तो ये आपको देखते रहेंगे। आपसे दूर रहना भी इनके लिए मुश्किल है, लेकिन सेम जितने आप इमोशनल हो, अपने इमोशंस आप एक्सप्रेस कर देते हो, उतने ही आपके पार्टनर अपने इमोशंस को हाइड कर लेते हैं। आपको पता नहीं चलता है कि यार इसको मेरे से प्यार भी है कि नहीं है, ये क्या चीज़ है, मतलब आपको ऐसे लगता है। लेकिन आप इनसे दूर भी नहीं जा पा रहे हो, एंड आपके पार्टनर के साथ भी सेम है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है आप अपने दिल की बातें इनको बता देते हो, लेकिन ये अपने दिल की बातें हाइड कर लेते हैं। ठीक है, इनको ऐसे लगता है जैसे यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ सोर्ड, ठीक है, चाहे आपको बहुत गुस्सा भी आ रहा हो, लेकिन आपके पार्टनर को पता है कि लेकिन जैसे जैसे ही आपका नाम अपने मुंह से लेंगे, आप वहीं पिघल कर इनकी बाहों में गिर जाओगे। तो आपको एक आपकी एक मदरली नेचर हो सकती है जिसको ये देखते हैं एंड सोचते हैं उसके अंदर, मतलब आप इनकी केयर भी बहुत करते हो, एक मदर की तरह इनका ध्यान रखते हो, हर एक छोटी से छोटी चीज़ की आप केयर करते हो। जैसे होता है ना, माँ अगर बच्चा तंग भी करे तो कुछ तोड़ फोड़ भी दे तो उसको माफ़ कर देती है, सेम इनकी नज़र में आप ऐसे हो कि अगर ये आपका दिल भी तोड़ रहे हैं, आपको हर्ट भी कर रहे हैं, आपको मिलने भी नहीं आ रहे हैं, आपको कॉल मैसेज भी नहीं कर रहे हैं, तब भी आप इनको माफ़ कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ मुझे ये एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है, इनकी नज़र में ऐसा है कि ये तो मेरा जो पार्टनर है ये बुद्धू सा है, क्यूट सा है, जो मैं चाहे कर लूँ ये कुछ नहीं कहने वाला है, क्योंकि इनके दिल में आपके अगर लिए साइंस प्यार की बात बहुत। करें तो यहाँ पे हो सकते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, लिब्रा एंड कैंसर राशि के हो सकते हैं आपके आप या आपके पार्टनर। तो आई होप आपको ये शॉर्ट अपडेट पसंद आई होगी, पसंद आई है तो जल्दी से आपने इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करना है। चैनल पे आए हो अगर आप पहली बार, इस चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, बहुत सारे प्यार के साथ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।